अस्सलामुअलैकुम जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, और आज हम लोग नीड फॉर स्पीड हीट खेल रहे हैं और P1 GTR को मैंने ख़रीदा है आज, और आज इसका रिव्यू करेंगे, हम ड्राइव करेंगे इसको, देख लो यार कैसी है। P1 से बहुत डिफरेंट है, देखने से ही पता चल रहा होगा यार। ये गाड़ी जो है ये स्ट्रीट लीगल नहीं है, और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अपलोड क्यों नहीं आई थी यार, सॉरी टाइम लगा हमें अपलोड करने का, रिकॉर्ड करने का इतनी टाइम नहीं मिला था, तो सॉरी अब मिला है तो कर रहा है, तो प्लीज़ सॉरी थोड़ी सी डिले हुई है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ये तीनों चीज़ें तुम लोगों को करनी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़, ये लाने में। तो यार अब अभी तो ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, अभी ये स्लो ही है, टर्बो नहीं लगा हुआ इसमें, टर्बो लगाते हैं कोई, टर्बो मेरे पास पड़े हुए क्या कोई एक्स्ट्रा, ऐसे ड्यूल है ना, ड्यूल लगाते हैं, नाइट्रस इसको हम फुल मिक्स कर देंगे। इसका साउंड मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं फरारी का साउंड, मैंने कोई फरारी खरीदी हो, ला फरारी थोड़ी खरीदी है भाई, जो है फरारी का साउंड आ रहा है। ऑन रोड डालते हैं, चेंज ही नहीं होगा कुछ तो गिरा देगा, साउंड सुनो ज़रा, इलेक्ट्रिक है, रिपेयर किट डाल देते हैं, और डैमेज डिटेक्शन बॉनी जाए यहाँ से, मेरी रिकॉर्डिंग खराब कर दी, निकल 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 निकल, अभी निकल ले, अभी निकल ले, आधे घंटे बाद निकल ले, अभी बताओ, बाहर भी नहीं घूमी, आवाज नहीं करी हूँ, बता निकल भाई निकल, अभी निकल, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आके खराब कर दी। आर्टिलरी एक्सेलरी लगाना भूल गए, एक्सेलरी क्या किस तरह बोलेंगे, रिपेयर किट है, रिपेयर किट लगा दें, डैमेज रिडक्शन दोनों चीज़ हो, चलो भाई अब ये लगा दिया। अब आते हैं कस्टमाइजेशन में, ज़्यादा कुछ है ही नहीं क्या कस्टमाइज करोगे, यू यू यार हद होती है, इतना तो ना करो, देखना ही नहीं है मुझे तो, क्या मैं ड्रिफ्ट बेल्ट बना रहा हूँ कि आपने ये टायर दिए हुए हैं, नहीं 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 इसके मैं टायर पूरे यूँ कर दूँगा, ड्रिफ्ट बेल्ट बन जाएगी। हाँ ये कुछ डिसेंट टायर हैं, ऐसा लग रहा है ये GTR के टायर हैं, ये तो GTR के टायर हैं क्या, चेक करते हैं। तो यार यही टायर मुझे अच्छे लग रहे हैं अब तो, अच्छे हैं ये, अच्छा स्टार्टिंग में था ये टायर अच्छे लग रहे हैं, यही लगते हैं, बाकी तो स्टाइलाइजेशन है नहीं। पेंट क्या डालें यार, वाइट ग्लॉस वाइट नहीं, फुल ब्राइट कर देंगे, कितना ब्राइट होगा, वाइट मेरे ख्याल से द बेस्ट लुक लग रहा है, तो वाइट, तो अब वाइट रखेंगे हम, और एग्जॉस्ट साउंड, बाकी सारे इफेक्ट्स लगाने भूल गया, इफेक्ट्स छोड़, एग्जॉस्ट साउंड सुनो भाई, ये फरारी है मेरे ख्याल से, क्या मैंने फरारी खरीदी है, ऐसा तो ला फरारी का साउंड है इस गेम में, चेंज करते हैं इसको, सेट फुल रॉ, मेटेलिक फुल, और हाँ अब परफेक्ट लग रहा है, अगर मैं इसको यूं करूंगा तो अब ज़्यादा आवाज़ आ रही है, अब परफेक्ट होगा, परफेक्ट होगी, तो यार अच्छी लग रही है मुझे डिज़ाइन तो वाला है। एग्जॉस्ट की फ्लेम्स देखो ज़रा, इतनी लंबी फ्लेम्स, चलो अब रेस करते हैं इसके साथ जाके,
यार हैंडलिंग ना बुरी है उसकी GTR, इसका नाम तो है P1 GTR लेकिन हैंडलिंग भी GTR की तरह ही हो यार। GTR इसका इस वजह से नाम नहीं रखा कि निशान GTR जो उसकी हैंडलिंग के ऊपर रख दी हो गई, नहीं क्योंकि नहीं मेरे ख्याल से नहीं होगा ये, ट्रैक फोकस्ड है, इलीगल है, स्ट्रीट लीगल नहीं है, इलीगल तो लीगल है ये खरीदने से, लेकिन ये इसको चलाना लीगल। फ्लेम्स ज़रा देखो आप, इतनी बड़ी फ्लेम्स, और यहाँ भैया हम चलाते हैं इसको, पहुँचने रेस में एक बाइक को गिर गया, हो गया बाइक को, बाइक गिर गया था, सही है ना, ठीक है अब हम पहुँच गए एक रेस में, अब चलते हैं रेस करते हैं। P1 GTR प्लीज़ हैंडलिंग अपनी GTR की तरह रखना, क्या इतना तरक ली यार P1 GTR ने, हैंडलिंग वैसी ही है जैसी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। आखिरकार आपने 2.3 या 4 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करें तो आपको इतनी अच्छी हैंडलिंग आप डिजर्व करते हो। ये रही, ये नॉर्मल P1 है जो पीछे थी, और ये P1 GTR थी, उसका स्पॉयलर ऐसा नहीं था, अगर कोई सोच रहा हो तो ऐसा स्पॉयलर नहीं था उसका, उसका ये अलग है थोड़ा, इसकी मेरे ख्याल से बम्पर से हुआ बस। ओह क्या है ये, ट्यूनिंग करो भाई इसकी, डाउनफोर्स बढ़ाओ, चलाते हैं। ओह क्या है यार, चलो चलाते हैं इसको। और यार तुम लोग अगर और कंटेंट चाहिए हो ऐसा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स तक, हम लोग हैंडलिंग तो बुरी नहीं है इसकी, तो आप चलाते हैं इसको, आप देखते हैं कैसी है। लैप कर रहे हैं हम लोगों को, अभी सी लैप कर रहे हैं यार, अब फाइनल लैप में आके लैप कर रहे हैं हम लोग। क्या ये गाड़ी बुरी है या नहीं है, थर्ड लैब में मोस्टली मैं लैब कर रहा होता हूँ, जो कोई भी मेरे पास गाड़ियाँ होती हैं उसमें थर्ड लैब में मैं लैब कर देता हूँ सबको, अंडर 2 मिनट कर लिए। बुरी नहीं है, फर्स्ट प्लेस मिली हमें, तो ये बराबर में एक P1 GTR खड़ी। तो अब हम लोग आ गए हैं एक रेस में भाई, अब करते हैं इस रेस को भी कम्प्लीट, फिर जीतते हैं इस रेस को यार। यार अब तुम लोग अगला एपिसोड की तुम लोग बताओगे कि अब मैं क्या करूं, अगले एपिसोड में किस गाड़ी को बाय करें, हम कस्टमाइज करें। 3 चॉइस मैं दे रहा हूं, 3 लैम्बो हैं एक तरीके से, एक मर्सिडीज़ लागो, दूसरी अवेंटाडोर SV जे या एस क्रूज़र, अवेंटाडोर एस ठीक है ना, वो या फिर लैम्बोर्गिनी कुंताज, कुंताज या कुंताज, कुंताज इतनी मुश्किल से बोल रहा था, कुंताज, तीनों में से कोई भी एक। सच बताऊँ तो मुझे है ना अवेंटाडोर करनी है, अवेंटाडोर लुक्स द कूलेस्ट, अवेंटाडोर का मैं बताऊँ एक तरीके से बैट मूवी लगती है मुझे, अगर मैट मैट में हो ना, वो मैट ब्लैक हो तो वो बैट मूवी लगती है। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो अगर कोई इसे ख़रीद रहा हो ना तो प्लीज़ जिस तरह मैंने ट्रैक टायर लगाए थे ना उस टाइम नहीं लगाना, अभी मैंने ट्रैक टायर रिमूव कर दिए थे रेस से आने वाले, और हैंडलिंग तुम लोग खुद देख सकते हो कितनी बेटर हुई है, वरना भी मैं ड्रिफ्ट मार रहा होता। ओह
ये कुछ ज्यादा बड़ा टर्न था, इतनी स्पीड में टर्न नहीं लेने। ये देखो मैं आराम से मुड़ पा रहा था, इतना स्लिप नहीं हो रहा था। वो टायर स्मोक आ रही थी, वो तो हल्का सा मुड़ो आपको और टायर स्मोक आती है। 1:11 तो यार तुम लोगों को अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। तो इसी तरह ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, खुदा हाफिज़।